हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल अचीविंग मैकेनिज्म की। दोस्तों, सबसे पहले ये टर्म मैक्सवेल मोल्ट्स ने अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में दी और आज मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जहाँ पे भी लाइफ है, वेर एवर देर इज लाइफ, देर आर थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हैं जो नेचर लाइफ को देके भेजती है। वो लाइफ चाहे एक एंट लाइफ हो, चाहे एलिफेंट लाइफ हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, कुछ भी लाइफ फॉर्म अगर है तो जहाँ पे भी ज़िंदगी है वहाँ पे ये तीन चीज़ें नेचर देके भेजती हैं। ये तीन चीज़ें क्या हैं, जरा मैं रिवील कर देता हूँ। सबसे पहले, देर इज़ ऑलवेज अ बॉडी। जहाँ पे भी आपको लाइफ दिखेगी, चाहे वो सी लाइफ है, चाहे वो स्काई लाइफ है, चाहे वो लैंड लाइफ है, बर्ड्स हैं, एंट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ह्यूमंस हैं, फिशेज हैं, कुछ भी हैं, वहाँ पे अगर लाइफ है तो देर इज़ बॉडी। इवन वायरस या बैक्टीरिया जैसी छोटी चीज़ें भी क्यों ना, ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, वेर एवर देर इज लाइफ देर इज बॉडी। तो फर्स्ट थिंग इज बॉडी, सेकेंड इज गोल अचीविंग मैकेनिज्म। दोस्तों, जहाँ पे भी जिंदगी है उस जिंदगी में, चाहे वो एंट है या एलिफेंट है, उनके अंदर गोल अचीविंग मैकेनिज्म्स हैं जिनका स्पेसिफिक काम है गोल्स को अचीव करना। कौन से गोल्स को, वो है तीसरा पॉइंट, प्री सेट गोल्स। नेचर जब भी लाइफ बनाती है तो उस लाइफ को एक बॉडी देती है, एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म देती है, ताकि वो प्री सेट गोल्स पूरे कर सके। प्री सेट गोल्स का मतलब ऐसे गोल जो आपकी जीन्स में कोड करके भेजे गए हैं, प्रकृति ने आपकी जीन्स में डाल करके भेजे हैं, आपने उन्हें चूज नहीं किया, बट ये प्रोग्राम्ड हैं हम सभी के अंदर। एक चींटी में भी प्रोग्राम्ड है, एक एलिफेंट में भी प्रोग्राम्ड है, एक पक्षी में भी प्रोग्राम्ड है, व्हेल मछली में, फिश में, ह्यूमंस में, हर जगह ये तीन प्री सेट गोल्स हैं जो आपने डिसाइड नहीं किए, मगर नेचर ने फिक्स करके, प्रोग्राम करके आपको ये तीन गोल्स दिए। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये तीन गोल्स क्या हैं, तो कुछ सेकंड के लिए जरा सोचिए और सोच करके देखिए जरा, क्या वो तीन गोल हैं जो हर जीवित क्रिएचर में, हर लिविंग क्रिएचर में एग्जिस्ट करते हैं। वो ह्यूमंस में भी है, एंट में भी है, हर जगह वो दिखेगा, सब बर्ड्स में, एलिफेंट्स में, एंट्स में, ह्यूमंस में, हर जगह वो कॉमन दिखेगा। ऐसी तीन गोल्स हैं। चलिए, मैं ज़्यादा सस्पेंस में आपको नहीं रखता और मैं रिवील कर देता हूँ कि ये तीन प्रीसेट गोल्स जो हर लाइफ फॉर्म में है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, हर जगह आपको दिखेंगे। और वो तीन गोल्स हैं, फर्स्ट इज सर्वाइवल। फर्स्ट गोल इज सर्वाइवल, सेकंड गोल इज रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड गोल इज प्रोपेगेशन। देखिए, सर्वाइवल का मतलब अपने आप को जिंदा रखने की चाहत। एक चींटी भी अपने आप को उतना ही जीवित रखना चाहती है जितना कि ह्यूमन बीइंग या फिर और कोई एनिमल या फिर और कोई बर्ड। हर एक जीव में, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या फिर एंट हो, एलिफेंट हो, गिलेरिया हो, पक्षी हो, हर एक जीवित क्रिएचर में, स्पीशी में जिंदा रहने की चाहत है, जो कि नेचुरली हमारे अंदर एनकोडेड है। तो नेचर ने हमें तीन प्रीसेट गोल दिए, जिसमें पहला रहा कि अपने आप को जीवित रखो। आज जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पक्षी जो शिकार करते हैं, जो शेल्टर्स बनाते हैं, ये सब किस चीज़ का नतीजा है, सर्वाइवल का नतीजा है। सेकंड, रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने डीएनए को रिप्रोड्यूस करो, रेप्लिकेट करो। एंड थर्ड इज प्रोपेगेशन, मतलब अपने जीन्स को आगे बढ़ाते जाओ, सदियों तर सदियों आपके जीन्स आगे बढ़ते रहें, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिए, सर्वाइवल। नेचर ने हमें गोल अचीविंग मैकेनिज्म दिए, यानी हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम दिए, सिस्टम के जरिए हम सर्वाइव कर सकें। तो सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए डिफेंस और अटैक मैकेनिज्म चाहिए होते थे, कि जो प्रे है वो अपने आप को डिफेंस कर सके और जो प्रीडेटर है वो अटैक कर सके। तो नेचर ने शेर को गोल अचीविंग मैकेनिज्म के तौर पे जॉज दिए, जबड़ा उसको दिया, उसको पंजे दिए, उसके नाखून शार्प रखे, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी दी, उसकी भागने की स्पीड बढ़ाई। तो ये अटैक मैकेनिज्म शेर को मिले, गोल अचीविंग मैकेनिज्म। गोल क्या है, खाना ढूंढना है, उसके लिए ये सिस्टम ऑलरेडी नेचर ने उसको दिए। अब हिरन को वो शिकार कर रहा है, हिरन को सेफ्टी मैकेनिज्म दिए, डिफेंस मैकेनिज्म दिए, उसमें भागने की क्षमता दी इस तरीके से कि वो अपने डायरेक्शन क्विकली चेंज कर सकती है और वो
मिसगाइड कर सकती है अपने प्रीडेटर को। तो नेचर ने सर्वाइवल का गोल पूरा हो इसके लिए क्या मैकेनिज्म दिए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं और अटैक मैकेनिज्म दिए हैं। दूसरा, नेचर ने फूड ढूंढने की कैपेसिटी दी है, बिकॉज देखिए आज हमारा गोल सफल होना है, आज हमारा गोल अच्छी नौकरी पाना, अच्छा बिजनेस खड़ा करना, अपने आप को प्रोडक्टिव रखना, ये सारे गोल्स हमारे हैं। लेकिन एक ज़माने में आज से हज़ारों साल पहले जब हम एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते थे, वहाँ पे हर दिन गोल सिर्फ यही था, फाइंड फूड एंड डोंट बिकम फूड। हर रोज़ यही मेहनत थी कि खाना ढूंढना है और खाना बनना नहीं है। खाना ना बनो इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म, खाना ढूंढ सको इसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म नेचर ने आपको दिए। आपके घर में अगर थोड़ी सी शुगर गिर जाए, सपोज जमीन पे शुगर गिर गई, आपको पता नहीं चला, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन चींटियों को कहीं से भी पता चल जाएगा। आप आज ही जाकर के ट्राई कर लीजिए, अपने घर में कुछ घंटों के लिए शुगर डाल के रख लीजिए, आप चाहे 10वें माले पे रहते हो, चाहे 16वें माले पे या 100वें माले पे, आपको चींटियां तुरंत आती हुई दिख जाएंगी और आपकी शुगर पे अटैक करेंगी। ये आपको पता नहीं है लेकिन चींटियों में ये मैकेनिज्म है कि वो तुरंत एनर्जी का सोर्स, फूड का सोर्स आइडेंटिफाई कर लें और उस तक पहुँच जाएँ। उसको न जाने कहाँ से रास्ता मिलता है। तो नेचर ने अगर सर्वाइवल का गोल दिया, तो नेचर गोल देती है ना, तो नेचर आपको उस गोल को पूरा करने की क्षमता भी देती है, उसको पूरा करने की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर इंस्टॉल करके देती है, जैसे कि उस एंट में रहा। तो फूड, हर पक्षी में फूड ढूंढने की कला है। हर चिड़िया रोज सुबह अपने घोंसले से निकलती है तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढी लाती है कहीं से भी। तो फूड ढूंढने की एबिलिटी, फूड ढूंढने की कैपेसिटी और फूड ढूंढने के मैकेनिज्म नेचर ने दिए। अब स्क्विरल की अगर मैं बात करूँ, एक गिलहरी जो जिसने सर्दियाँ अभी देखी भी नहीं है, लेकिन वो गिलहरी नट्स इकट्ठा करना शुरू कर देती है और वो नट्स इकट्ठा करती है सर्दियों के लिए, ताकि पूरी सर्दियाँ उसे बाहर ना निकलना पड़े और वो अपने बिल में ही सारा खाना इस्तेमाल कर ले। तो उस गिलहरी को किसने बताया कि सर्दियाँ आने वाली हैं, उसने कभी सर्दियाँ देखी भी नहीं है लेकिन फिर भी वो सेव करती है। जस्ट बिकॉज नेचर ने अगर सर्वाइवल का गोल आपको दिया है, तो नेचर ने आपको पावर्स भी दिए हैं, मैकेनिज्म सिस्टम्स भी दिए हैं ताकि आप उस गोल को पूरा कर सकें। दोस्तों, कई साइबेरियन बर्ड्स होती हैं जो हजारों किलोमीटर कॉन्टिनेंट से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से ट्रेवल करके कुछ पर्टिकुलर सीजन में इंडिया में आती हैं। उनको हजारों किलोमीटर दूर से ये पता चल जाता है कि इतने हजारों मील दूर कोई कॉन्टिनेंट है, कोई प्लेस है जहाँ पे टेम्परेचर अभी सूटेबल है हमारे जिंदा रहने के लिए, और वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स ट्रेवल करके ऐसी जगहों पर आती हैं जो उनके लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों, नेचर इतनी पावरफुल है कि नेचर ने जब भी आपको गोल दिए हैं, नेचर ने आपको गोल अचीव करने के मैकेनिज्म भी साथ में दिए हैं। तो ये तो रहा फूड की बात। अब सर्वाइवल में शेल्टर की भी ज़रूरत होती है। तो चिड़िया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, या फिर एक स्पाइडर को वेब बनाना कौन सिखाता है? आप और मैं नहीं सिखाते। उनमें एक इनहेरेंट कैपेसिटी है अपने लिए शेल्टर क्रिएट करने की। एक चूहे को बिल खोदना आपने नहीं सिखाया है, लेकिन उनमें इनहेरेंट कैपेबिलिटी है अपने लिए शेल्टर ढूंढने की। और हम इंसान कई बार ये पता नहीं लगा पाते, मेरे लिए 2 BHK अच्छा है, 5 BHK अच्छा है, 8,000 square feet बढ़िया है, या कितनी जगह मेरे लिए इनफ है। लेकिन कभी देखा कि एक चिड़िया ने इतना बड़ा घोंसला बना लिया कि उसके रहने के अलावा भी बहुत सारी जगह बच गई हो। एक चिड़िया अगर कभी भी घोंसला बनाती है तो वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना उसके लिए और उसके अंडों के लिए इनफ स्पेस हो। दिस इज द प्रिसीजन ऑफ नेचर एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट, आई रियली फील अमेज्ड एंड आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर आवर नेचर, दैट नेचर इज गिविंग अस सो मच पावर एंड इट इज गिविंग अस सच अमेजिंग सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म जो हमें हमारे गोल्स तक पहुँचने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये बात रही सर्वाइवल की कि किस तरीके से फूड शेल्टर में हमारे नेचुरल मैकेनिज्म है, एनिमल्स में, एनिमल लाइफ में दिखते हैं, और एक समय पे हम में भी ये नेचुरल मैकेनिज्म थे ही और इनफैक्ट आज भी हैं, कि इन नेचुरल मैकेनिज्म के जरिए हम अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊँ तो वो है रिप्रोडक्शन।
दोस्तों चींटी भी रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना, अपने डीएनए को आगे बढ़ाना, अपनी चेन को आगे बढ़ाना, नए बच्चों को जन्म देना। तो इंसान भी बच्चों को जन्म देते हैं, चींटियाँ भी देती हैं, बर्ड्स भी देती हैं, और जो भी लिविंग क्रिएचर है वो रिप्रोड्यूस ज़रूर करता ही करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी लिविंग क्रिएचर है, स्पीशी है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हो। तो ये भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक प्रीसेट गोल जीन्स में एनकोडेड है कि आपको रेप्लिकेट करना है, आपको अपने डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करना है। तो रिप्रोड्यूस के अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। इवन फ्लावर्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, जो भी लिविंग क्रिएचर है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और नेक्स्ट जनरेशन इस वर्ल्ड को देके जाता है। लास्ट पार्ट है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है कि अपने ऑफस्प्रिंग को, जिन बच्चों को जन्म दिया है, उनको इस लायक बनाना कि आगे वो भी इस चेन को आगे बढ़ा सकें। तो आपने देखा होगा कि एक शेरनी अपने बच्चों को कुछ महीनों तक ट्रेनिंग देती है, जब तक वो इस कैपेबल नहीं हो पाते कि अब वो अपना खाना खुद से ढूंढ सकते हैं, तब तक वो उनका साथ रहती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, और जब वो कैपेबल हो जाते हैं तो फिर उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। कुत्तों में भी कुछ समय का पीरियड ऐसा रहता है जब माँ अपने बच्चों को फीड करती है, लेकिन जानवर और इंसानों में डिफरेंस ये है कि जानवर एक टाइम जो इनका पीरियड है उस पीरियड तक ही अपने बच्चों से अटैच रहते हैं, उसके बाद में वो भूल जाते हैं कि वो उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा क्रिएचर है जहाँ पे वो लाइफ टाइम अपने बच्चों को नहीं फ्री कर पाता, वो लाइफ टाइम अपने बच्चों को सीने से लगा करके रखता है, उसे नहीं पता कि कौन सा समय है जब वो गिव अप कर सकता है, जब अपने बच्चों को फ्री छोड़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब कि जब तक आपके बच्चे इंडिपेंडेंट ना बन जाएं और आपकी चेन को आगे बढ़ाने के लायक ना बन जाएं, तब तक उसको प्रोटेक्ट करना, उसको फूड प्रोवाइड कराना, उसको ट्रेन करना, जिराफ अपने बच्चों को करता है, शेरनी अपने बच्चों को करती है, कुत्ते, मंकीज अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो सब में एक कुछ पीरियड, कुछ महीनों का पीरियड है, जिस महीनों के पीरियड तक वो उसे ट्रेन करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रोपगेशन। तो दोस्तों जहाँ पे भी लाइफ है वहाँ पे ये तीन प्रीसेट गोल्स हैं, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए देर इज़ अ गोल अचीविंग मैकेनिज्म एज वेल, एक मैकेनिज्म है जो उन गोल्स को पूरा करवाता है। और ये मैकेनिज्म कितना ब्यूटीफुल और कितना अमेजिंग है, सोचिए कि लाखों सालों से हम ह्यूमंस इन मैकेनिज्म्स को यूज़ करके सर्वाइव कर रहे हैं। चींटियाँ लाखों हजारों सालों से अपने आप को सर्वाइव कर रही है। इतनी छोटी सी चींटी है लेकिन फिर भी उसका मैकेनिज्म कितना पावरफुल है, आप देखिए नेचर कितनी पावरफुल है, देखिए कि वो आज तक अपने आप को सर्वाइव कर रही है। एक केस स्टडी आपको बताता हूँ, वो केस स्टडी आप सुनेंगे तो शायद आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगी कि नेचर की ब्यूटी देखिए आप कितनी बढ़िया है। कि कुछ रिसर्चर ने पाया कि एक आइलैंड है, जिस आइलैंड पे सिल्वर वाइट कलर की ग्रास है, और वहाँ पे जो चूहे हैं उन चूहों का जो फर है, उनके बाहर का जो कलर है वो भी सिल्वर वाइट है, क्योंकि चूहों का प्रीडेटर जनरली ईगल्स होते हैं, ईगल्स की आंखें तेज होती हैं, और चूहे अपने आप को बचा सकें उसकी नज़रों में से, इस वजह से नेचर ने क्या किया कि उनके जो फर हैं चूहों के वो सिल्वर वाइट कलर के ही हैं, ताकि चूहे घास में कहाँ छुप जाएं, उनके प्रीडेटर्स को पता ना चले और वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकें और इस चेन को चला सकें, सर्वाइवल, रिप्रोड्यूस और प्रोपेगेट कर सकें। तभी उन रिसर्चर्स ने ये भी पाया कि उस आइलैंड से थोड़ी सी दूर एक और आइलैंड है, जिस आइलैंड पे जो घास है वो ब्लैकिश है, काले कलर की घास है, और उन्होंने देखा कि वहां पे जो चूहे होते हैं उन चूहों का जो फर है वो काले कलर का है। तो बड़ा स्ट्रेंज उन्हें लगा कि इतनी सी दूरी पे यहाँ पे ब्लैक कलर की घास है तो चूहों का कलर ब्लैक कैसे है, ये इतनी वैरायटी कैसे मिल गई। तो उन्होंने दोनों चूहे लिए और उनके जीन्स को कंपेयर किया, तो उन्होंने पाया कि ये दो अलग अलग जीन्स वाले चूहे नहीं थे, एक्चुअली ये सेम ही जीन्स वाले चूहे हैं, दोनों के सारे जीनेटिक मटेरियल सेम है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि एक चूहे में जो काले आइलैंड पे हैं उन चूहों में भी सफ़ेद सिल्वर वाइट कलर के बाल प्रोड्यूस करने के जीन्स मौजूद तो हैं, लेकिन वो जीन्स ऑन ही नहीं होते, उसकी जगह पे ब्लैक वाले ऑन होते हैं। जस्ट देखिए कितनी ब्यूटी नेचर में है कि नेचर ने जिस आइलैंड पे सिल्वर वाइट बाल थे, घास थी, वहाँ पे चूहों का जो बालों का कलर है वो भी सिल्वर वाइट एडजस्ट कर दिया,
ताकि चूहे सर्वाइव कर सकें, और दूसरे आइलैंड पे क्योंकि ब्लैक घास थी और कुछ चूहे जो सिल्वर वाइट वाले वहाँ पे पहुँचे होंगे उन्होंने वहाँ रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे वो जल्दी मर जाते होंगे, उनका प्रीडेटर ब्लैक घास में अगर सफ़ेद कलर का चूहा हो तो वो तो ईजिली दिखेगा, वो तो पार्टी हो जाएगी ईगल्स के लिए। लेकिन जो जो चूहे सर्वाइव करते गए सालों दर सालों, जो चूहे सर्वाइव करते गए उनमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, जेनेटिक चेंजेस आने लगे और वो सफ़ेद बालों से काले बालों वाले हो गए अपने एनवायरनमेंट को असेस करके। दोस्तों इतना ब्यूटीफुल हमारा नेचर है कि जहाँ पे इतने अमेजिंग मैकेनिज़म्स हैं कि अगर नेचर आपको गोल्स भी देती है तो उसको गोल्स को पूरा करने के लिए गोल अचीविंग मैकेनिज़म, जिसे हम गेम बोलते हैं, वो गोल अचीविंग मैकेनिज़म भी देती है। अब इंसानों के साथ जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है वो ये है कि हमारे अंदर प्री सेट गोल्स तो हैं ही, लेकिन हमें ये चॉइस मिला, हमें ये फ्रीडम मिली कि हम अपने खुद के गोल्स भी रख सकते हैं। एक चूहा चूहे से ऊपर नहीं उठ सकता, उसके जो प्रीसेट गोल है उसके बाहर नहीं जा सकता, वो लिमिटेड है, प्रोग्रामड है। एक हाथी एक लिमिटेड है प्रोग्राम, एक कुत्ता लिमिटेड है प्रोग्रामड है, एक एंट लिमिटेड है प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम के बाहर वो नहीं जा सकती। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स दोस्तों इस काबिल हैं कि हम अगर चाहें तो हम लोग अपने खुद के गोल्स बना सकते हैं, हम अपने खुद के लक्ष्य ले सकते हैं, हम म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, हम कविताएं लिख सकते हैं, हम बड़े बड़े बिजनेस बना सकते हैं, हम देश बना सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना सकते हैं, हम सिर्फ अपना ही नहीं हम एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, हम इतना कुछ फ्री चॉइस से कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी पावर नेचर ने हमें दी। और दोस्तों मजे की बात मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जो सेम गोल अचीविंग मैकेनिज्म ये तीन गोल्स के लिए फायदेमंद रहता है या तीन गोल अचीव करने में हमें मदद करता है, यही सेम गेम हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बाकी गोल्स, जो लाइफ के गोल्स हैं, जो सक्सेस गोल्स हैं, हमारे बिजनेस रिलेशनशिप हेल्थ पर्सनल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए भी हम इस गेम को यूज़ कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार आपकी सेल्फ इमेज से आइडिया क्रॉस कर गया, फिल्टर हो गया, तो एक बार गेम जब उसको एक्सेस कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म थॉट्स, इमोशंस को, फीलिंग्स को इस तरीके से चेंज करेगा कि आप उस गोल तक पहुँच जाएँ। ना सिर्फ ये, आपका जो गोल अचीविंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ आपके अंदर ही चेंजेस नहीं करता, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट भी करता है आपके जीवन में। दोस्तों जैसे आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से समझिए, सपोज ये आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, वैसे और भी लोगों के गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, तो जितने लोग हैं इस दुनिया में उतने ही गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, और ये सारे गोल अचीविंग मैकेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और इसी वजह से ये जो अट्रैक्शन का नियम है वो एक्चुअली ऐसे ही काम करता है कि सपोज मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उन्हें टीच करना चाहता हूँ, तो मेरा गोल अचीविंग मैकेनिज्म ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लर्न करना चाहते हैं, तो जो लर्निंग फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर रहे हैं और मैं टीचिंग फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर रहा हूँ, तो हम जाने अनजाने कुछ एक्सपीरियंसेस से अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे गोल अचीविंग मैकेनिज्म एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और हम लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, किसी ना किसी तरीके से गोल अचीविंग मैकेनिज्म्स ने आपस में कनेक्शन किया है और हम लोगों को एक जगह पे मिलवाया है। तो दोस्तों गोल अचीविंग मैकेनिज्म जो हैं ये सब के गोल अचीविंग मैकेनिज्म्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। साइंस भी धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ डेफिनेटली पहुंच रही है, और हमारे वैदिक ट्रेडिशन में तो कहा गया है कि जो स्पेस होती है वो तीन प्रकार की स्पेस होती हैं। फर्स्ट इज महाआकाशा, महाआकाशा का मतलब होता है फिजिकल स्पेस। सेकेंड इज चित आकाशा का मतलब होता है मेंटल स्पेस। एंड थर्ड इज चिद आकाशा का मतलब होता है नॉलेज स्पेस। तो देर इज अ फिजिकल स्पेस जो हमारे और आपके बीच में है, जिसमें चीजें हो रही हैं, वो फिजिकल स्पेस है। जब आप मेंटली कुछ इमेजिन करते हैं तो वो मेंटल स्पेस में होता है। और देर इज अ थर्ड स्पेस दैट इज कॉल्ड चिद आकाशा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल माइंड।
तो दोस्तों ये जितने भी गेम हैं अगर इनको हम माइंड बोलते हैं तो इंडिविजुअल माइंड जो हैं इंडिविजुअल गेम गोल अचीविंग मैकेनिज्म एक दूसरे की मदद ले सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे राइट एक्सपीरियंस राइट लोग और राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आकर्षित होती हैं और आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होता है। आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म एक बार किसी लक्ष्य को एक्सेप्ट कर ले तो वो फिर राइट एक्सपीरियंसेस अपॉर्चुनिटी और राइट पीपल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जिससे कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अगर तो लक्ष्य ऐसा है कि लोग और एक्सपीरियंसेस हेल्प नहीं करेंगे तो चिद आकाशा जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बात की गई है, चिद आकाशा का मतलब है नॉलेज स्पेस यानी यूनिवर्सल माइंड। ऐसा भी हमारे वैदिक ट्रेडिशन में माना जाता है कि ये सारे के सारे जो माइंड्स हैं इंडिविजुअल माइंड एक मेन यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड रहते हैं और जब आपका गोल कुछ ऐसा हो गया कि ये इंडिविजुअल माइंड हेल्प नहीं कर सकते तो आप यूनिवर्सल माइंड की हेल्प ले पाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो केकुले जिन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर निकाला उन्हें ड्रीम में आया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो उनको सपने में उन्होंने देखा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर उनको सपने में दिखा। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी इस प्रकार की बातों पे जिक्र किया है और बहुत सारे कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस तरीके के मोमेंट की बात करी है, जब आहा मोमेंट आया, कोई पजल थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी वो एकदम से उनके दिमाग के अंदर आ गई। तो वैदिक ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि वो एक्चुअली यूनिवर्सल माइंड से आपके माइंड ने कैच कर ली और वो सडनली इनसाइट या फिर हॉन्च या फिर इंट्यूशन या फिर एक फ्लैश एक चमकता हुआ आइडिया आपके दिमाग के अंदर आ गया। तो दोस्तों ये बात रही आपके गोल अचीविंग मैकेनिज्म की कि जहाँ पे भी लाइफ है वहाँ पे बॉडी है, गेम है, प्रीसेट गोल्स हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ में अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ प्रीसेट गोल्स पे नहीं उन प्रीसेट गोल्स के बाहर भी गोल्स बना सकते हैं। हम म्यूज़िक बना सकते हैं, हम पोइट्री कर सकते हैं, हम बिजनेस बना सकते हैं, हम एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं, हम यूनिवर्स के रहस्यों को खोज सकते हैं और हम बहुत कुछ नए और फ्रेश और अपनी चॉइस के गोल ले भी सकते हैं और इस गोल अचीविंग मैकेनिज्म को यूज़ करके उनको अचीव भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये करना है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को इतना अच्छा कर लेना है कि आपकी आइडेंटिटी अगर गोल को एक्सेप्ट कर रही है तो आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म अपना पूरा मेहनत करेगा उसको अचीव करने के लिए। दोस्तों आपके पैदा होने से लेकर आपकी मृत्यु तक हर वक्त एक चीज़ हमेशा आपके साथ में है, वो है आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझिए और मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करें, अपनी सेल्फ इमेज को अपने गोल से कंसिस्टेंट करें ताकि गोल अचीविंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सके उस गोल को पूरा करने में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम रिच यू मस्ट बी एबल टू सी योर सेल्फ रिच। आपको अपने मन में अपने आप को अमीर देखना आना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। तो आप अगर पतले होना चाहते हैं पहले अपनी आइडेंटिटी में पतले हो जाइए, अपनी सेल्फ इमेज में अपने मन में अपने आप को पतला देख लीजिए तो आप देखेंगे कि आप रियलिटी में भी पतले हो जाएंगे। और अपने गोल से कंसिस्टेंट सेल्फ इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है और वो कैसे बनाते हैं अब मैं आने वाले वीडियोस में आपको टेक्निक्स सिखाना शुरू करूंगा। अब तक हमने फाउंडेशंस बिल्ड कर लिए हैं और अब हम टेक्निक सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनर गेम ऑफ सक्सेस जीत सकते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।